मेरे फादर लॉ ने मुझसे पूछा शादी के पहले, हम लोगों ने, रिम्पी मैं शेयर तो कर सकता हूँ ना उसके साथ, कोर्ट मैरिज हमने कर ली, पेरेंट्स चारों पेरेंट्स एक दूसरे के सामने आ गए। मेरे फादर ने पूछा कि आशीष जी आपने एमडी तो ज्वाइन कर ली वहां पे यूक्रेन में, हमारी बेटी का क्या? व्हाट वाज दिस क्वेश्चन? यू नो व्हाट इज द क्वेश्चन इज? ही इज आस्किंग मी वेदर यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग योर वाइफ टू यूक्रेन टू डू पीजी, बट दैट क्वेश्चन इज नॉट टू मी, दैट क्वेश्चन इज टू माई फादर, बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग एंड हु विल बी फंडिंग? माई डैड। सो ही इज आस्किंग मी द क्वेश्चन, एंड इवन इफ ही इज आस्किंग टू माई डैड, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल क्वेश्चन। इट्स लाइक आस्किंग, आप होटल में गए और आपने खाना ऑर्डर कर दिया बैरे को, और बैरा बोलता है आपकी जेब में पैसे हैं भाई? और अगर नहीं है, आपकी जेब में पैसे नहीं है तो और गुस्सा आएगा आपको, अबे साले। और अगर है तो गुस्सा आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सो आई मेड माई फादर डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू, आई वॉन्टेड एंड आई आंसर्ड माई फादर इन लॉ ऑल्सो। कैन यू गेस वॉट शुड आई हैव डन दैट टाइम? रिम्पी तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही हो? आई सेड टू माई फादर इन लॉ, कैन वी टॉक इन प्राइवेट? ही सेड यस। हम लोग पीछे गए दरवाजे के पीछे बाहर गार्डन में। आई सेड रिम्पी तो शादी के बाद मेरी वाइफ हो जाएगी, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसको पीजी कराऊंगी नहीं कराऊंगी, मेरी जिम्मेदारी है। और पापा के सामने अगर आप बोलेंगे ये चीज तो पापा को कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। आई टेक फुल गारंटी ऑफ इट, डोंट वरी, बट डोंट ask this question in front of dad. तो सर इफ यू टेक फुल गारंटी आई हैव नो इश्यूज। बस फिर वापस आ गए। मेरी मम्मी आज भी पूछती है तुमने उस बुड्ढे को क्या बोला था। सो यू वॉन्ट योर डैड टू गिव यू फ्रीडम, डोंट आस्क फॉर फ्रीडम, बिकॉज इट इज लाइक आस्किंग जेब में पैसे हैं? अगर उस बंदे के पास हैं और खुशी खुशी देगा तो मिलेगा ही हमको, या अगर हम टैक्टफुल हैं तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर टैक्टफुल नहीं है तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आई एम गोइंग टू टॉक टू डैड नाउ।